राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को हाल ही में रद्द कर दिया गया है और इसकी वजह है राहुल गांधी द्वारा साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी। दरअसल सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच कई सोशल मीडिया यूजर्स साल 2013 की बताकर राहुल गांधी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सांसदों और विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए एक अध्यादेश लाने की बात कही थी और इस अध्यादेश को राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया। अक्सर सोशल मीडिया पर झूठे राजनीतिक दावे करते पाए गए ऋषि बागरी ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने भी ये तस्वीर ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट की। जाने माने पत्रकार दिलीप मंडल ने भी ऐसे ही दावे के साथ राहुल गांधी की ये तस्वीर ट्वीट की। वहीं एडिटर जी ने वीडियो रिपोर्ट में यही दावा चलाया, जबकि इस तस्वीर की सच्चाई कुछ और ही है। जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज को कई रिपोर्ट्स मिली जिसमें राहुल गांधी की सितंबर 2013 में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट में बताया गया था कि उन्होंने प्रेस के सामने कथित अध्यादेश को बकवास कहा और ये उन्होंने अपने निजी विचार में कहा। उन्होंने आगे कहा कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। आगे इस आधार पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें 27 सितंबर 2013 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये वीडियो मिला। इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि उनके हिसाब से ये अध्यादेश पूरी तरह से बकवास है और इसे फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें विपक्षी पार्टी के नेता क्या कहते हैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि सरकार क्या कर रही है और उन्हें लगता है निजी तौर पर कि हमारी सरकार ने इस अध्यादेश को लेकर जो किया वो गलत है। CNN, IBN और टाइम्स नाउ ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था जिसमें राहुल गांधी कहीं पर भी अध्यादेश फाड़ते हुए नहीं दिख रहे। अब बात करते हैं राहुल गांधी की इस वायरल तस्वीर की। इस तस्वीर के बारे में सर्च करते हुए हमें NDTV की 16 फरवरी 2012 की ये रिपोर्ट मिली। इसमें राहुल गांधी ये कागज फाड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए झूठा दावा किया गया कि उन्होंने सांसदों और विधायकों की सदस्यता को चुनौती देने वाले न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए कांग्रेस द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी थी। फायदे की लिस्ट है मेरे पास, ये पढ़ता हूँ। बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। लिस्ट वही लिस्ट वही लिस्ट वही लिस्ट जेल से निकलती है, वही लिस्ट हर 22 साल चलती है। लिस्ट फायदों की लिस्ट ये लो। और ये गलत दावा करने के लिए दूसरी घटना की तस्वीर शेयर कर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने ऐसा नहीं किया था।